अलवर में नगर परिषद बोर्ड बने एक साल बीत चुका है और यहाँ कांग्रेस का बोर्ड है और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, लेकिन आपसी विवाद में सभापति और पार्षद सिवाय एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप के अलावा कुछ नहीं कर पाए। यहाँ तक कि एक साल में बोर्ड की सिर्फ दो बैठकें जरूर की गई, जिसमें पहली बैठक मात्र परिचय तक निपट गई और वहीं दूसरी बैठक में बजट तक पास नहीं हो पाया, जिसे सरकार के पास भेजना पड़ा। यहाँ 65 वार्डों में 27 पर भाजपा, 19 पर कांग्रेस और 19 में निर्दलीय पार्षद बने हैं। सभापति कांग्रेस की बीना गुप्ता है। यहाँ हर माह करीब 70 लाख रुपए सफाई व्यवस्था पर खर्च किए जाते हैं, साथ ही 1132 सफाई कर्मचारी भी लगे हैं, लेकिन शहर की सूरत बदल नहीं पा रही। आज भी सड़कों पर पड़ा कूड़ा और सड़कों पर घूमते आवारा मवेशी कभी भी देखे जा सकते हैं। एक साल पहले शहर की जनता ने यह सोचकर वार्डो के प्रतिनिधियों को चुनकर भेजा कि उनके क्षेत्र की समस्याओं का समाधान होगा, शहर में फैल रही गंदगी व आवारा मवेशियों से छुटकारा मिलेगा, खराब पड़ी रोड लाइटें ठीक होंगी, लेकिन जन प्रतिनिधि जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहे। अलवर में भले ही कांग्रेस का बोर्ड हो, लेकिन यहाँ कांग्रेस के ही पार्षदों ने मोर्चा खोला हुआ है। बीना गुप्ता सभापति बनने के बाद अपने कांग्रेस के पार्षदों को ही नहीं संभाल पा रही, शहर क्या संभाल पाएंगी, यह एक बड़ा सवाल है। हाल ही में कांग्रेस पार्षदों ने आयुक्त सोहन सिंह नरूका का घेराव करते हुए 3 दिन में समस्याओं को सुलझाने का अल्टीमेटम दिया है। सब जानते हैं कि सीधे सीधे अपने ही सभापति को कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर अलवर नगर परिषद आज पूरी तरह से नूरा कुश्ती का अखाड़ा बन चुकी है, जहां समस्याओं के समाधान होने की कोई दूर दूर तक उम्मीद नजर नहीं आ रही। ऐसा है, आज हमारे सभी कांग्रेस के पार्षद जो निर्वाचित पार्षद हैं, उन्होंने आके अपने सभी, क्योंकि एक साल पूरा हो गया बोर्ड को बने हुए और हमारे वार्डों में जिस तरह की जन समस्याएं हमारे यहाँ हो रही हैं, उनको समाप्त कराने के लिए हम सभी कांग्रेस के पार्षदों ने आज आयुक्त को घेराव किया और आयुक्त से मांग की कि ये व्यवस्थाओं को सुधार करें। अगर आपने इन व्यवस्थाओं को सुधार नहीं किया तो हम सरकार में रहते हुए सरकार के सारे पार्षद हैं, हम नहीं चाहेंगे कि हम लोग यहाँ हमारे जो बोर्ड है उसकी कहीं भी कोई गलत मैसेज शहर के अंदर जाए, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो हम सरकार की जो भी यहाँ इच्छा शक्ति उसको पूरी करेंगे, तो उसको लेके आज हमने शहर में सफाई हो, जितनी भी मतलब लाइटें हैं वो ख़राब हैं, वो हो अतिक्रमण ख़त्म हो, उसको लेकर आज सभी लोगों ने आयुक्त को घेराव किया और 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि अगर 3 दिन में आपने व्यवस्थाओं को सुधार नहीं किया तो सब हम इनका फिर आगे से धरना प्रदर्शन करेंगे।